चलिए बात करते हैं छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर की, जहां रायपुर के एक वार्ड में आज रीवोटिंग हो रही है। दरअसल वार्ड क्रमांक 399 में सुबह 8 बजे से वोट डाले जा रहे हैं, शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां एक वार्ड के लिए आज पुनर्मतदान हो रहा है। सुबह 8 बजे से इसकी वोटिंग शुरू हो गई है। महर्षि वाल्मीकि वार्ड के केंद्र क्रमांक 399 में मतदान जारी है। 24 दिसंबर को सभी 2840 वार्डों की मतगणना भी होगी। तो निकाय चुनाव के लिए आज एक वार्ड में रीवोटिंग की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दिनेश यदु फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिनेश, बताया जा रहा है नगरीय निकाय चुनाव के लिए आज एक वार्ड में रीवोटिंग हो रही है, क्या कुछ जानकारी है? जी, पहले बता दें कि ये मतदान वाल्मीकि के वार्ड में है, 25 नंबर में, जहां पे कम से कम 1370-80 मतदाताओं का नाम लपित करते थे, जिसके कारण यहाँ पे निर्वाचन आयोग ने शिकायत की थी, किया गया था, उसके नाम से फिर से यहाँ पर पुनर्मतदान किया गया। जो शंकर नगर है वहाँ पे ये मतदान हो रहा है, अभी शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। जी, जैसा कि आपने बताया कि निर्वाचन आयोग की शिकायत के बाद यहाँ पर रीवोटिंग हो रही है, तो क्या जो नतीजे हैं वो कल सबके साथ में ही आने वाले हैं? जी, पहले बता दें कि मतदान अभी 5 बजे समापन हो जाएंगे, इसके बाद तुरंत मतपेटी को ले जाके जो वहाँ पे जमा करेंगे, और सबका पूरा जो मतगणना है वो कल सवेरे 8 बजे चालू होगा, और उसमें भी यहाँ की मतगणना भी होगा। जी, चलिए बहुत शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि रायपुर के एक वार्ड में आज रीवोटिंग हो रही है। दरअसल चुनाव आयोग के पास शिकायत हुई थी, इसके बाद इस वार्ड में फिर से वोटिंग हो रही है। शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे और कल सभी वार्डों के नतीजे सामने आएंगे।